हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो बार बार आपका पेपर में यानी कि एग्जाम में हमेशा आपका रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन को एक बार बारीकी से पढ़िए। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, समझिएगा बारीकी से। तो देखिए 10 वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग किससे जानते हैं, सीपी से डिनोट कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस से पहले से भी जानते हैं। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि 8 वस्तु हो गया और इसका क्या कर देते हैं, एसपी विक्रय मूल्य। अब देखिए इधर सीपी है, इधर एसपी है, तो इसको इस तरफ, 10 को इस तरफ लेके चलाएंगे और सीपी को इस तरफ, यानी कहने का मतलब समझिए, सीपी और बटा में इस तरफ लेके हम लोग चलाएं किसको, एसपी को। 8 वहीं हम लोग छोड़ देंगे, ये आप जानते हैं कि इंटू में है यानी कि गुना में है, तो इस तरफ आएगा तो किस में चलाएगा, भागा में आपका चलाएगा। ठीक है, डिवाइड में जिसको जानते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करके भी बना सकते हैं या वैसे भी समझ सकते हैं, यानी कि सीपी के सामने जब आ गया वो क्या हो गया आपका, 8 जो आया, 8 जो आया वो क्या हो गया, क्रय मूल्य, और 10 जो आया से क्या आएगा आपका, विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि 8 वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में, 10 रुपया में, यानी कि 8 कोई वस्तु ले लीजिए या पैसा जो भी है रुपया में ले लीजिए, तो कितना का फायदा हो रहा है यानी कि प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 का। ठीक है, अभी ही निकाल लीजिए, परसेंटेज में निकाल दीजिए, तो लाभ प्रतिशत लिखना नहीं है लेकिन हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, लाभ इंटू क्या लिखते हैं, 100, और बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लाभ कितना का हो रहा है, 2 का, क्योंकि 8 में खरीद रहा है, बेच रहा है कितना में, 10 का, तो लाभ कितना हुआ, 2 का, तो 2 गुने कितना कर दीजिएगा, 100, और बटा में क्या होता है हमेशा, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना चलाएगा, 8। ठीक है, इससे अगर इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो 4 बार में, इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में, 25 बार में, तो 25% का क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, सी होगा। अब देखिए पेपर में जब भी बनाना है तो इस तरह से नहीं बनाना है, आपको अपोजिट समझ लीजिएगा, उल्टा समझ लीजिएगा, उल्टा हो गया ना। देखिए सीपी को हम लोग क्या कर दिए, एसपी हो गया, और एसपी क्या हो गया आपका, सीपी हो गया, इसमें जो रहता है। ठीक है, अपोजिट तो आप समझ लीजिए कि कितना, 8 हो गया हम लोग का सीपी, और एसपी हो गया 10, लाभ हुआ कितना का, 2 का, तो 2 बटा कितना लिख कर लेंगे, 2 बटा 10 इंटू क्या, 2 बटा कितना हो जाएगा, 8, इंटू कितना कर लीजिएगा, 100, और कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो ये कितना आपका चलाएगा, 25%। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए एक बार बारीकी से, सबसे पहले पढ़ लीजिए। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका लसा, यानी लसा यानी क्या, लघुत्तम समावर्तक, जिसको आप एलसीएम के भी नाम से जानते हैं, एलसीएम 84 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपको सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, तो इसको अगर अनुपात के हम लोग को हटाना होता कैसे लिख सकते हैं, 3x, समझिएगा बारीकी से, इसको भी कितना लिख सकते हैं, 4x। अगर इसको आपको एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे, सबसे पहले इसमें डिवाइड कितना से कीजिएगा, एक्स से। ठीक है, तो कितना चलेगा, 3x, इतना हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, 3x ही कितना हो जाएगा, 4। अब सब में हम लोग क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना जाएगा आपका, 12x। ठीक है, तो 12x, तो 12x इक्वल टू कितना आपको दे दिया गया है, 84। ठीक है, यही लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम कितना इसका दे दिया गया है, 84। अब इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो बरसते कितना हो जाएगा, 84, यानी एक्स का वैल्यू कितना चलाया आपका, चलाया 7। अभी मैं आपको बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या बताना है तो इसमें कितना से गुना कर दीजिएगा आप गुना कर दीजिएगा 7 से, तो सच्चों को 28 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या इक्वल टू इस तरह से। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बड़ी संख्या कितना होगा, 4x। ठीक है, तो इसमें कितना से इंटू कर दीजिएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा, 7, सच्चों को 28। अब यही आपसे पूछता, छोटी संख्या आपसे पूछता, तो छोटी संख्या पूछता तो कितना दिया है, 3x, तो 3x में कितना से गुना कर देते, यानी कि 3 में 7 से, 7 + 3 कितना, 21। लेकिन पेपर में इस तरीका से आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने के लिए, डायरेक्ट जब 2 संख्या दे दे तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट देखें कि 4 + 3 = 12, 12 से क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से जैसे ही 84 में अगर डिवाइड कीजिएगा इस तरीका से, तो कितना चलाएगा आपका, 7 चलाएगा। अब 7 से डायरेक्ट बड़ी संख्या पूछेगा तो इसमें इंटू कर दीजिए, सच्चों को 28, छोटी संख्या पूछ
पूछता 21, इसमें एक तरीका से और पूछ सकता था, सो ध्यान दे लीजिएगा, आप ध्यान दे दीजिए, इधर देखिए ध्यान से देखिए, आप पूछता कि आपका दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो योग तो दोनों के जोड़ देते था कितना चला था 49, आपको अंतर भी पूछ सकता था यानी कि डिफरेंस भी पूछ सकता था, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना चलेगा आपका 7, ठीक है। इस टाइप से जो भी टाइप से आपका प्रश्न पूछे इसी तरीका से आपको बना लेना है, सेकेंडों में बनाना है ये, आप इतना हम आपको डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के लिए बताएं। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, सबसे पहले इसको आप बारीकी से पढ़िए। दो संख्याओं का लसा यानी लघुत्तम समावर्तक एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा। इससे पहले जो प्रश्न बनाए थे उसी टाइप का है, आपको हम प्रैक्टिस के लिए ले लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो अभी बताएं दो संख्या हो तो क्या करना है, दोनों के सिर्फ 48 है तो इसमें 48 में कितना से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो 48 में 3 × कितना से 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, रेशियो क्योंकि 2:3 कितना है 3, इससे तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलाएगा 8×48, ठीक है 8 में आपका कैंसिल हो जाएगा। योग पूछा है तो आप डायरेक्ट भी योग बता सकते हैं, इस दोनों में क्या करते हैं दोनों के जोड़ दीजिए, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और इसमें गुना कर दीजिएगा कितना से 5, यही 8×5 कितना आपका चलाया 40 आपका योग हो जाएगा। अलग अलग आपसे अगर पूछता कि बड़ी संख्या क्या होता तो बड़ी संख्या इसमें कितना से गुना करते 8 से तो यही चलाता 24, छोटी संख्या क्या होता तो 8 से गुना करते कितना चलाता 16, योग अगर आपका पूछा है तो यही दोनों के अगर जोड़ देते तो फिर कितना चलाता 40। इसलिए पेपर में जब भी करना है तो इस तरीका से इतना ना करना है, जब आपको संख्या निकालने के लिए अगर इसका डिफरेंस अंतर कर देता तो इसमें से माइनस कर लेते 3 में से 2 तो कितना चलाता 1, और 8 में 1 से गुना करते तो कितना आपका चलाता 8, वो क्या चलाता आपका छोटी संख्या, ठीक है। अब एक बार और समझ लीजिए बारीकी से क्या बोले हम आपको, जैसे 48 है तो 48 में क्या करें कि दोनों के जो रेशियो में दिए हुए था 3:2 कितना है 3, तो दोनों से 3×6 से भाग दे दिए, भाग दिए तो आपका कितना चलाया 8, पूछा था संख्या का क्या पूछा था योग पूछा था, तो जोड़ दिए 2 और 3 कितना हो गया 5, और 8 में कितना से गुना कर दिए 5 से ही चलाया 40, ठीक है योग। अगर आपको अंतर पूछता तो अंतर पूछता तो 8 भी दोनों के क्या ले लेते हैं हम लोग, अंतर घटा लेते 3 में से 2 घटाते 1, और 8 में 1 से गुना करते तो यही कितना आपका चलाता 8, अंतर आ जाता। अब बोले थे आपको कि बड़ी संख्या निकालना था तो बड़ी संख्या निकालने के लिए तो इसमें 3 में 8 से गुना कर देते 24, ठीक है छोटी संख्या निकालना था 8×16 यही देखिए दोनों के योग कर देते तो कितना चला था 40, अंतर भी करते तो कितना आपका चला था 8। मेरे ख्याल से जो भी जितना भी अगर घुमा के आपसे प्रश्न पूछे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, इस क्वेश्चन को एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं, 54% पुरुष और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है। देखिए प्रश्न पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ परसेंटेज में दिया गया है 32%, यहाँ दिया गया है 54%, ठीक है, और बच्चा के जो संख्या में दे दिया गया है 196 क्या दे दिया है बच्चा दे दिया है, ठीक है इसको परसेंटेज में दे दिया है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को बनाएंगे कैसे, टोटल अगर हम लोग ले लेंगे कि बच्चा भी ठीक है पुरुष भी और महिला भी टोटल मिला के कितना है 100% आपका है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा दो गो को आपको दे दिया गया है, किसका किसका आपका दे दिया गया 32% आपको दे दिया गया है किसका, तो 32% आपका महिला है, 54% क्या है आपका पुरुष है, तो जो बच जाएगा 100% में 100% में वही क्या हो जाएगा आपका बच्चा हो जाएगा। तो इस दोनों को क्या करना होगा आपको जोड़ लेना है, ठीक है 32 और 54 के जब जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 86 होगा ना, 4 और 2 6 और 5 और 3 8, ठीक है, और 86 को जब 100 में से अगर माइनस कीजिएगा तो कितना आपका चलाएगा 14%,
ठीक है, 14% यही जो आया तो किसका वैल्यू निकल गया आपका, बच्चा का निकला। समझिएगा एक बार, ये दोनों के जोड़ दिए, अगर आप नहीं समझते तो इस तरीका से 32%, 54%, ये दोनों के हम जोड़ दिए तो यही चला आया कितना, 86%। यही 86% को हम क्या किए कि 100% में से माइनस कर लिए, ठीक है, तो कितना चला आया, 14%। यही 14% किसका संख्या दे दिया, आपका परसेंटेज संख्या किस संख्या के बराबर आपका निकला, तो बच्चा वाला संख्या के। तो अब समझिएगा बारीकी से, इस 14% का वैल्यू जो दे दिया है यहाँ, कितना दे दिया है, 196, ठीक है, 196। तो आपसे पूछा जाए कि 1% इक्वल टू क्या होगा, तो आप 14 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 14 बार में, क्योंकि आप 14 के क्यूब ही जानते हैं कि 100 कितना हो जाता है, 96, आप जानते होंगे पहले से। अब निकल गया 1% का वैल्यू निकल गया, लेकिन पूछा है क्या प्रश्न में आपसे कि उस विवाह समारोह में पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पुरुषों की संख्या आपको निकालना है, तो पुरुष के संख्या निकालना है, तो पुरुष का परसेंटेज कितना था, 54, यानी कि इतना इक्वल टू, अब 54% इक्वल टू निकाल देना है, तो 14 में गुणा कर दीजिएगा आप कितना से, 54 से, ठीक है, अब 54 से गुणा कर दीजिए तो 14 चौको कितना हो जाएगा, 56, 14 पचे कितना हो गया, 70, और 5 कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 700 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे अगर पूछता, किसका संख्या अगर आपसे पूछ देता, अगर संख्या पूछ देता आपको, महिला के संख्या पूछ देता कि कितनी महिलाएं हैं, तो 14 में कितना से गुना कर लेते, आप 32 से गुना कर लेते, वो महिलाओं की संख्या निकल जाता। अगर आपसे इस प्रश्न में पूछ देता कि टोटल संख्या है उस समारोह में कितने लोग शामिल हुए, तो 100 से गुना हम लोग कर लेते कितना में, 14 से, ठीक है, तो इसमें तीनों चलाता, 1400 चलाता, तो इसमें सब चलाता, महिला भी चलाता, पुरुष भी चलाता और बच्चा भी चलाता। लेकिन इस प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ कि पुरुषों की संख्या कितना होगा, इसीलिए हम लोग 14 में कितना से, 54% से गुना कर लिए, तो 700 कितना चलाया, 56। आंसर क्या आया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको अगर डाउट लगे, अगर समझ में ना आए तो कॉमेंट करके पूछा कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।